ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। एसी सर्किट ऑलमोस्ट वैसे खत्म हो गया था, एक छोटा सा पॉइंट इसमें बचा हुआ है और हेडिंग पड़ेगा इसका क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज आरएलसी एसी सर्किट, सीरीज आरएलसी एसी सर्किट। अच्छा, सीरीज आरएलसी सर्किट सर्किट में इसमें एक और बात लिख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ शार्पनेस ऑफ पीक। अब देखते हैं कौन से पीक की बात हो रही है। देखो, तो हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था लास्ट क्लास में सीरीज आरएलसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी और करंट के पीक वैल्यू के बीच में, ठीक है। और ये जो ग्राफ निकल के आया था, ये ग्राफ कुछ इस तरह का निकल के आया था, ठीक है। और इस ग्राफ में वो फ्रीक्वेंसी जिस पे करंट मैक्सिमम है, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे करंट मैक्सिमम है, उस करंट की वैल्यू क्या थी, और उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी। उस फ्रीक्वेंसी को हमने बोला था ओमेगा नॉट, और करंट की वैल्यू मैक्सिमम आई थी वी नॉट बाई आर, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो भी करंट की पीक वैल्यू कम होगी, और अगर उससे ज्यादा है तो भी ज्यादा होगी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, ये आई थी कितना निकल के आया था, 1/√LC। बोलिए, इतनी बात क्लियर है। अब देखो है क्या, ये सीरीज आरएलसी सर्किट अब तो खैर यूज नहीं होते हैं, बट मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, जो थोड़े पुराने रेडियो थे, पुराने रेडियो मतलब जिसमें वो आकाशवाणी वाला एएम करके उसमें ट्रांसमिशन होता था। अब जो रेडियो का टेक्नोलॉजी है वो है एफएम, एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पहले जो पुराने रेडियो थे वो थे एएम यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो उन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सर्किट्स में यही वाला सीरीज आरएलसी सर्किट यूज होता था। किसके लिए, हम लोग क्या करते थे कि उस हमारा जो रेडियो है उसके अंदर हम वो जो नॉब घुमाते थे, तुम्हें याद होगा, तो उस नॉब के घुमाने से क्या होता है कि वो कैपेसिटेंस हमारे सर्किट का चेंज होता है। अभी हमारे सर्किट का कैपेसिटेंस अगर चेंज होता है, इसका मतलब हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, और जब ये फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्टिंग सेंटर के फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, मतलब जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे ऐसा मैच होता है, तो हमें वो रेडियो सॉन्ग या जो भी न्यूज़ है वो सुनाई देने लगती है। अब अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो तो क्या होता है कि जब वो नॉब घुमाते हैं, मतलब जब स्टेशन मैच नहीं कर रहा होता है, तो उसमें वो जो खड़खड़ की आवाज़ आती है उसकी साउंड रहती है कम, लेकिन जैसे ही वो चैनल एग्जैक्टली मैच होता है फ्रीक्वेंसी, तो वो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड जो है वो लार्ज हो जाती है। कभी एक्सपीरियंस किया है क्यों भाई? वो पुराने टाइप वाला ही रेडियो में है, अभी नए वाले में जो नहीं है, यस सर, यही वाला सर्किट यूज हो रहा होता है। क्योंकि जब वो दोनों मैच करती है फ्रीक्वेंसी, तो सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, तो वो मैक्सिमम लाउड साउंड हमको सुनाई भी देता है एम्पलीट्यूड हायर की फॉर्म में, ठीक है ना। तो वहां पे उसका यूज होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि सर्किट उतना बढ़िया होगा जिस सर्किट के लिए ये पीक जितनी ज्यादा स्ट्रांग बनेगी, मतलब एक पीक हो गई ये और एक पीक हो गई ये, तो हम लोग बोलते हैं कि ये वाला जो सर्किट है ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी जो पीक बन रही है वो काफी स्ट्रांग है, शार्पनेस उसकी काफी स्ट्रांग है, और इसकी शार्पनेस उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो कौन से सर्किट का पीक स्ट्रांग है, उसके लिए एक टर्म डिफाइन हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू फैक्टर, ठीक है। अब इस क्यू फैक्टर को डिफाइन कैसे किया गया, इस क्यू फैक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या किया गया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो तुम्हें दिख ही रही है, दो फ्रीक्वेंसीज और ली गई, और वो दो फ्रीक्वेंसीज ली गई विच वर लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जिसमें से एक फ्रीक्वेंसी हो गई लेट से ओमेगा 1 और एक फ्रीक्वेंसी हो गई लेट से ओमेगा 2, और ये दोनों वो फ्रीक्वेंसीज थी जिन पे करंट का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप था, इन दोनों के बीच के गैप को रिप्रेजेंट किया गया 2 डेल्टा ओमेगा से, एंड दिस वॉज नोन एज, इसको डिफाइन किया गया बैंडविड्थ, ठीक है। और बैंडविड्थ की वैल्यू 2 डेल्टा ओमेगा भी लिख सकते हैं, या बैंडविड्थ को हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 भी लिख सकते हैं।
और ओमेगा वन ओमेगा टू को क्या नाम दिया गया, ओमेगा वन एंड ओमेगा टू आर कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, दे आर कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। अच्छा हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्यों नाम दिया गया इनको, क्योंकि ओमेगा वन ओमेगा टू पे जो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से कितनी है बताओ, करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से कितना है, 1/√2 है। और करंट का वैल्यू अगर मैक्सिमम का 1/√2 है तो पावर लॉस क्या मैक्सिमम का हाफ होगा, तो इसीलिए इनका नाम दिया गया दे आर कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। मतलब ओमेगा वन ओमेगा टू में सर्किट में जो पावर का लॉस होगा वो मैक्सिमम पावर लॉस का हाफ होगा, और जो शार्पनेस है उसको मेजर किया गया क्यू फैक्टर से, एंड क्यू फैक्टर इज डिफाइंड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई ओमेगा नॉट, और बैंडविड्थ को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला प्रूफ नहीं कर रहे हैं, आप लोग ध्यान रखो कि ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है आर अपॉन एल के इक्वल, इतनी बात याद रखो ठीक है ना। हम उसी फॉर्मूले में आई की जगह वी नॉट अपॉन रूट टू आर रखेंगे, ओमेगा की जगह ओमेगा वन ओमेगा टू रखेंगे, तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन निकल आएगा उस फॉर्मूले से, तो वो आर अपॉन एल प्रूफ होता है। तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी भाई, ओमेगा नॉट को लिखेंगे 1/√LC और ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन को लिखेंगे आर अपॉन एल, तो ये निकल के आता है यहाँ से फाइनली क्यू फैक्टर क्या आएगा, फाइनली क्यू फैक्टर की वैल्यू आएगी 1/R एंड √L/C। तो अगर हमें पीक को और शार्प करना है तो इसका मतलब है क्यू फैक्टर को इंक्रीज करना होगा, तो ये एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है ठीक है। बोलिए ध्यान रहेगा, बताइए कहीं कोई कंफ्यूजन है तो। ठीक है बोलिए। अब तो इसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो कर लो। डायरेक्ट ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही फॉर्मूला है। देखो कर लो सॉल्व इसको, बताइए कुछ डाउट है तो। आंसर इसका बी आना चाहिए, सीधा सीधा फॉर्मूला है ठीक है ना। बोलिए ठीक है, तो ईएमआई एंड एसी में फिर इतना ही है, डाउट है बताइए। सर अगर ये क्यू फैक्टर जितना ज्यादा शार्प हो गया तो उसके आसपास के जो चैनल होंगे वो भी तो उसमें कंबाइन होने के फॉर्म में आ जाएंगे। नहीं, ये कर्व क्या होगा ना, हर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए कर्व अलग होगा ना, हर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए कर्व अलग अलग होगा। अभी हम उसके डिजाइन में थोड़े न जा रहे हैं, अभी तो मैंने केवल तुमको एक हल्का सा आइडिया दिया कि हम लोग पहले जो यूज करते थे सर्किट वो किस तरह से यूज होता था। अब मतलब उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती होंगी। ओके सर ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक एंड दैट इज
वेव ऑप्टिक्स। सर एसी में आरएलसी पैरेलल सर्किट से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे? ओके नहीं है ही नहीं सिलेबस में। अब okay. देखो आउट ऑफ सिलेबस में तो फिर कुछ भी पूछ सकते हैं, तो फिर हम लोग कितना स्टडी करें। पहले जितना सिलेबस का है उसको अच्छे से कर लो, फिर टाइम बचेगा तो वो भी बता देंगे, ठीक है ना। वेव ऑप्टिक्स भी छोटा सा चैप्टर है, और मेनली देखा जाए तो इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और दूसरा माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके आगे बढ़ते हैं। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला पार्ट जो हमको समझना है, एक छोटा सा हेडिंग पड़ेगा कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट हम किसको बोलते हैं, तो देखो मेरे पास एक डायग्राम है उससे समझते हैं। देखो तो अगर हम ऐसे मान के चले कि हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, और उस पॉइंट सोर्स से जो लाइट एमिट हो रही है वो चारों तरफ एमिट हो रही है। अब अगर वो पॉइंट सोर्स है तो उससे जो लाइट एमिट होगी, क्या ऐसे बोल सकते हैं कि स्फेरिकली आउटवर्ड लाइट एमिट होगी? और ध्यान से देखो तो एक लाइट का एक वेव भी बना हुआ है। तो अगर हम ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करें जिनका ऑसिलेशन सेम है, विच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, तो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो इमेजिनरी सरफेस क्रिएट होगा उसको हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हमको नजर नहीं आएंगे बट हम ऐसे फील कर सकते हैं। जैसे मान लो कि वाटर का सरफेस है, वाटर सरफेस के ऊपर अगर हम एक पत्थर मार दें तो हमको क्या वो रिपल्स नजर आते हैं सर्कुलर फॉर्म में, और वो हमको ऐसा लगता है कि वो सर्कल धीरे धीरे बाहर जा रहा है, होता है ऐसा। तो तुम उससे विजुलाइज कर सकते हो कि वेव फ्रंट का मतलब वही हुआ कि जैसे ही हमने वो पत्थर वहां पे फेंका तो वहां पे वेव्स जनरेट हुई, और वेव्स जनरेट होने से जो वेव फ्रंट है सर्कुलर वेव फ्रंट वो आगे की तरफ धीरे धीरे उनका रेडियस बढ़ता गया। तो वेव फ्रंट्स के ट्रैवल का जो स्पीड है और वेव का जो ट्रैवल का स्पीड है वो एग्जैक्टली सेम होगा, मतलब वेव फ्रंट भी वेव के ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट होंगे। बोलो तो वेव फ्रंट हम बोल किसको रहे हैं? क्यों भाई? तो वेव फ्रंट के बारे में हम सिंपली एक बात लिख सकते हैं कि इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस एट विच ऑल पॉइंट्स आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। बोलिए इस लाइन को समझने में कोई दिक्कत है तो तुम ये बताओ कि अलग अलग टाइप के सोर्सेस के लिए क्या तुम वेव फ्रंट बता सकते हो कैसे बनेंगे? क्यों भाई? जैसे अगर प्लेन वेव है तो प्लेन वेव के लिए वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन वेव है, पॉइंट सोर्स है, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल सोर्स है, लाइन सोर्स है, तो इन सब के लिए वेव फ्रंट्स का शेप कैसा होगा? पहला काम तो हमको यही करना है। तो ये फिगर बना लो, देखो इसमें कोई कंफ्यूजन है या अपने आप समझ में आ गया? बताओ। तीन तरह की वेव्स मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। एक प्लेन वेव है, प्लेन वेव के केस में जो वेव फ्रंट्स हैं वो पैरेलल हैं। एक है पॉइंट सोर्स समझ में आया ना, मतलब सोर्स यहाँ पे होगा और उस सोर्स से वो जो लाइट है वो एमिट हो रही है डाइवर्जिंग। तो वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे? वेव फ्रंट्स स्फेरिकल होंगे, भले ही हम पूरा वेव फ्रंट नहीं बना रहे हैं, पूरा स्फेयर नहीं बना रहे हैं, केवल पार्ट हमने दिखाया हुआ है। इसी तरह से अगर लाइन सोर्स ऑफ लाइट है तो लाइन सोर्स से जो वेव फ्रंट्स एमिट होंगे वो सिलेंड्रिकल शेप में होंगे। यही तीन सिचुएशन है जो तुम्हारे सामने आ सकती है, बताइए।
देखो नोट करो, बताओ कोई डाउट है तो यहाँ तक पहले। हाँ ठीक है बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है जो हमको समझना है, दैट इज आइगेंस प्रिंसिपल। आइगेंस प्रिंसिपल देखो, हाइगेंस ने सिंपली वेवफ्रंट वाली जो थ्योरी है ये हाइगेंस ने ही दी थी, और हाइगेंस ने ये बोला कि लाइट का जो प्रोपोगेशन है, लाइट को अगर हम वेव की तरह डील करके चलें, देखो इस चैप्टर में लाइट इज अ वेव ऐसे समझ लो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि लाइट को हम वेव ले रहे हैं या पार्टिकल ले रहे हैं, बट हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बोलते हैं कि लाइट इज बिहेविंग एज अ पार्टिकल। इस पर्टिकुलर चैप्टर में लाइट के वेव कैरेक्टर के बारे में स्टडी है, इसीलिए हम लाइट को रेज की बजाय वेव फ्रंट्स के फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। तो हाइगेंस ने ये बोला कि लाइट से वेव फ्रंट्स एमिट हो रहे हैं, और ये वेव फ्रंट्स स्पीड ऑफ लाइट से, मतलब उस पर्टिकुलर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके हिसाब से वो वेव फ्रंट आगे बढ़ेंगे। तो हाइगेंस का जो प्रिंसिपल है वो पूरा का पूरा इसी बात के लिए है कि कोई भी वेवफ्रंट अगर हमको पता है किसी एक पोजीशन पे, तो कुछ देर के बाद वो वेवफ्रंट कहाँ पहुंचेगा और उस वेवफ्रंट का क्या शेप होगा, मतलब शेप एंड पोजीशन ऑफ अ वेवफ्रंट आफ्टर ए टाइम टी अगर हमें फाइंड करना है तो हमें हाइगेंस प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा। ठीक है, फिलहाल इसको समझने के लिए एक डायग्राम लेते हैं, जैसे ये डायग्राम है। इसमें तुम ध्यान से देखो, ये जो सबसे पहले लाइन बनाई हुई है, मान लेते हैं कि ये प्लेन वेव के बारे में बात चल रही है, ठीक है ना, ये एक प्लेन वेव है, और प्लेन वेव का जो वेव फ्रंट होगा क्या वो भी प्लेन होगा, ये वेव फ्रंट है। तो हाइगेंस ने ये बोला कि जो भी वेव फ्रंट की पोजिशन है टी इक्वल टू जीरो पे, उस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट जो है वो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट बनेंगे, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे क्या कहलाएंगे, दीज आर सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, दीज आर सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट। अब देखो क्योंकि ये सेकेंडरी सोर्स है और पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से वेवफ्रंट्स कैसे एमिट होते हैं बताइए, पॉइंट सोर्स से एमिट होने वाला वेवफ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल। जैसे ये वाला जो पॉइंट सोर्स है, ध्यान से देखो, अगर इससे टी इक्वल टू जीरो पे एक वेवफ्रंट एमिट हुआ, टी इक्वल टू जीरो पे उस वेवफ्रंट का रेडियस जीरो था, तो बताओगे कि डेल्टा टी टाइम के बाद उसका रेडियस कितना बन जाएगा, इससे जो वेवफ्रंट निकला होगा उसका वेवफ्रंट का रेडियस कितना होगा डेल्टा टी टाइम के बाद, डेल्टा टी, सी डेल्टा टी। तो क्या किया गया, सी डेल्टा टी रेडियस का एक सरफेस ड्रॉ किया गया है, देखो दिख रहा है ये सरफेस, मतलब वेवफ्रंट एमिट हुआ टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, और फिर हमने सी डेल्टा टी टाइम के बाद उस वेवफ्रंट की नई पोजीशन बनाई हुई है, बोलिए। और यही काम अगर हम इन सारे सोर्सेस से करें, सारे सोर्सेस से, तो क्या ये सारे वेवफ्रंट्स मिलेंगे हमको, एक ये वेवफ्रंट है, एक ये वेवफ्रंट है, एक ये वेव फ्रंट है, एक ये वेव फ्रंट है। हाइगेंस प्रिंसिपल थोड़ा समझने में थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा ध्यान से समझना, बट है बहुत सिंपल, अगर सीधा सीधा है, t इक्वल टू जीरो पे हम लोगों ने वेव फ्रंट एमिट किया, जीरो रेडियस का था, डेल्टा टी टाइम के बाद उन सभी वेव फ्रंट्स का रेडियस कितना हो गया, c डेल्टा टी। तो ये जो वेव फ्रंट्स मैंने बनाए हैं ना, ठीक है, These wavefronts are called secondary wavelets. These wavefronts are called secondary wavelets. और हाइगेंस ने यह बोला कि अगर हम एक कॉमन सरफेस ड्रॉ करें इन सारे सेकेंडरी वेवलेट्स पे, तो जो वो कॉमन सरफेस होगी वो वेवफ्रंट की नई पोजिशन और शेप होगा, ठीक है ना। तो कॉमन सरफेस ड्रॉन ऑन दीज सेकेंडरी
wavelets will give position and shape of wavefront after time delta t. ठीक है ना, बस इतना सा ही है हाइगेंस प्रिंसिपल. हाइगेंस ने क्या बोला फिर से सुन लो, वेवफ्रंट की पोजीशन हमको मालूम थी टी इक्वल टू जीरो पे. टी इक्वल टू जीरो पे उस वेवफ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट बनेंगे. उन सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट से जो वेवफ्रंट्स एमिट होंगे वो स्फेरिकल वेवफ्रंट्स होंगे. उन स्फेरिकल वेवफ्रंट्स का रेडियस सी डेल्टा टी के बराबर होगा अगर हम डेल्टा टी टाइम के बाद लिख रहे हैं. और उन सारे सेकेंडरी वेवलेट्स पे अगर हम एक कॉमन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो वो कॉमन सरफेस उस वेवफ्रंट की टी टाइम के बाद नई पोजीशन हो जाएगी. बोलिए जितनी बातें बताइए क्लियर है या नहीं? यस सर. अब तुम ये भी कह सकते हो कि सर इतना झमला फैलाने की क्या जरूरत थी, सीधे सीधे बोल देते कि ये वेवफ्रंट है, वेव आगे जा रही है तो आगे बना देते ऐसे, बस हो गया काम. क्यों भाई इतना जो है घुमाने की क्या जरूरत थी बोलो? तो ये एग्जांपल तुमको सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है. क्यों? क्योंकि ये सारी जो है ना ये सारी वेव्स एक ही मीडियम में ट्रैवल हो रही है. जब मीडियम चेंज होगा ना तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ अब क्या यूज है हाइगेंस प्रिंसिपल का. इस एग्जाम्पल में तो कुछ खास समझ में नहीं आएगा क्योंकि वेवफ्रंट आगे बढ़ा दो सीधे सीधे. बताइए बात समझ में आई? तो देखो अगर मान लो रिफ्रैक्शन का केस है या रिफ्लेक्शन का केस है, देखो जैसे मान लो जैसे लोग रिफ्रैक्शन का एग्जांपल लें, देखो ये है एक प्लेन वेव इंसिडेंट हो रही है और ये जो प्लेन वेव इंसिडेंट हो रही है इधर वाला जो मीडियम है वो रेयरर है और इधर वाला जो मीडियम है वो डेंसर है. ठीक है, तो क्या होगा कि जब ये वेव्स आके टकराई मीडियम बाउंड्री पे तो तुम ध्यान से देखो यहां पे वेवफ्रंट्स के बीच में गैप ज्यादा है और यहाँ पे वेवफ्रंट्स के बीच में गैप कम हो गया है. अगर हमें कैलकुलेट करना हो, इनफैक्ट हम स्नेल्स लॉ को प्रूव भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से, तो तुम ध्यान से देखो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक ये ट्रायंगल, देखो एक ये ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल. ठीक है, मतलब ये हो गया सोर्स वन और ये हो गया सोर्स टू सपोज. तो वन सोर्स से टी टाइम में जो वेवफ्रंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मीडियम टू में क्या वो वी टू टी के बराबर होगा? बोलिए. और टू सोर्स पे जो लाइट पहुंची होगी क्योंकि इस मीडियम में स्पीड है वी वन टी तो ये डिस्टेंस वी वन टी के बराबर होगा? बताइए. बोलिए भाई यहां तक. अगर हम इसमें नॉर्मल ड्रॉ करते हैं देखना, एक नॉर्मल यहां बना लेते हैं और एक नॉर्मल यहां पे. ध्यान से देखना, नॉर्मल इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा. अब अगर ये आर है तो ध्यान से देखो क्या ये भी आर है, और ये आई है तो ध्यान से देखो क्या ये भी आई है. और तुम ध्यान से चेक करो तो क्या साइन आई की वैल्यू को लिखेंगे हम लोग वी वन टी अपॉन ये डिस्टेंस मान लेते हैं डी है डी, और साइन आर की वैल्यू को लिखेंगे वी टू टी अपॉन डी. तो साइन आई अपॉन साइन आर अगर हम लोग करें क्या आएगा, तो क्या ये वी वन अपॉन वी टू आएगा, और वी वन अपॉन वी टू को ही हम लोग म्यू टू अपॉन म्यू वन भी लिख सकते हैं. बोलिए क्लियर है ये स्नेल्स लॉ कैसे प्रूफ हुआ यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल? मीडियम वन में स्पीड ज्यादा है तो वो लेंथ ज्यादा है, मीडियम टू में स्पीड कम है तो वो लेंथ कम है.
ठीक है ना। बाकी हाइगेंस प्रिंसिपल पे एग्जैक्टली तो क्वेश्चन नहीं आया है, बट तुम एक बार बुक से देख लेना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हाइगेंस प्रिंसिपल के लिए। एक क्वेश्चन इसमें मेरे ख्याल से आया था, वो जरा करके देख लो। एक क्वेश्चन जो आया था ये देखो, मैं बताना है क्या आंसर होगा। देखो पढ़ो इसको, ये वाला पहला वाला फिगर देखो, ये जो प्लेन वेव फ्रंट्स हैं ये स्ट्रेट आ रहे हैं और आगे बढ़ने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है विद रिस्पेक्ट टू हाइट चेंज हो रहा है। तो ध्यान से देखो, अब मैं हाइगेंस प्रिंसिपल लगाने वाला हूँ इस वेव फ्रंट पे। ये मैंने मान लिया कि ये वेव फ्रंट की ओल्ड पोजीशन है, लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ कि ओल्ड पोजीशन में मैंने 0.1, 0.2 और 0.3 ये तीन सेकेंडरी सोर्सेज लिए हैं, ठीक है। अब 0.1, 0.2, 0.3 से जो स्फेयर्स एमिट होंगे, क्या कहोगे उनके रेडियस के बारे में? ऊपर जाने पे स्पीड कम हो रही है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि ऊपर वाले का रेडियस सबसे कम होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, तो रेडियस तो कम होता जा रहा है ना ऊपर, बोलिए। तो अगर हम इन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स पे एक कॉमन सरफेस बनाएंगे तो वेवफ्रंट की पोजीशन ऐसी हो जाएगी, यानी ये वेवफ्रंट जो है ये किधर की तरफ बेंड हो रहे हैं, ये रे ऑफ लाइट ऊपर की तरफ बेंड होगी। हालांकि तुम इस बात को बिना हाइगेंस के भी बता सकते थे, कैसे? मान लो ये लाइट आ रही है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर की तरफ जाने बढ़ रहा है, तो लाइट बेंड नहीं होगी टूवर्ड्स नॉर्मल। सर इसमें तो वेव फ्रंट जो आपने फिगर बनाए उसमें तो सर वर्टिकली मूव कर रहा है, वर्टिकली मूव कर रहा है वेव फ्रंट नहीं, लाइट किधर जा रही है? ये वेव फ्रंट है, लाइट इधर जा रही है, तो वेव फ्रंट तो उसके परपेंडिकुलर ही बनाओगे ना। सर आपने तो लिखा प्लेन वेव फ्रंट्स आर मूविंग हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली मूव लिखा है। प्लेन वेव फ्रंट्स आर मूविंग हॉरिजॉन्टली तो क्या मतलब है? यही मतलब हुआ बेटा। सर जो हमने ऑप्टिक्स में वेरिंग म्यू वाला केस पढ़ा था, नहीं वही है, वही है, वही है। हाँ, और ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन में कभी एक बार, शायद ऑफलाइन वाले एग्जाम में आया हुआ है, ये जेई मेन में आ चुका है एक बार। बट इसको करने के लिए ऐसा नहीं कि इसको करने के लिए हाइगेंस की ही जरूरत है, ये तो नॉर्मल ऑप्टिक्स से भी हो जाएगा ना। यस सर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इस चैप्टर में हम लोगों को दो चीजें पढ़नी है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो पहला हेडिंग पड़ेगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। देखो इंटरफेरेंस कब होता है, तो इंटरफेरेंस के हम लोग बोलते हैं कि अगर दो लाइट वेव्स जिनका ट्रैवलिंग डायरेक्शन सेम है और उनका फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वो जब सुपर इम्पोज होंगे तो उनके बीच में जो फिनोमेना हो रहा है उसको हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। देखो ऐसे समझो कि इंटरफेरेंस में होगा क्या, जैसे मान लो कि हमारे कमरे में एक लाइट बल्ब जल रहा हो, ठीक है, तो अगर एक लाइट बल्ब जल रहा है तो मान लेते हैं कि सरफेस पे जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट के बराबर है। अगर मान लो उसके बगल में एक और दूसरा बल्ब ऑन कर दें तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, क्या बोलोगे बताओ? बढ़ जाएगी सर, मतलब कि इट्स आइडेंटिकल बल्ब अगर हमने ऑन किया है तो 2I0 हो जाएगी। क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब है तो एनर्जी से ही ना, एक बल्ब का इंटेंसिटी I0 है तो दो का इंटेंसिटी 2I0 होगा, मतलब कि पहले सभी जगह इंटेंसिटी I0 थी और बाद में सभी जगह इंटेंसिटी 2I0 हो जाएगी। लेकिन इंटरफेरेंस में क्या होगा कि अगर दोनों सोर्सेस के बीच में कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस है तो क्या होगा कि कहीं कहीं पे इंटेंसिटी 4I0 होगी और कहीं कहीं पे इंटेंसिटी 0 होगी, मतलब जो इंटेंसिटी है वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होगी, इंटेंसिटी पोजीशन के हिसाब से हर जगह अलग अलग आएगी, और इसी फेनोमेना को हम लोग बोल रहे हैं इंटरफेरेंस। क्योंकि इंटरफेरेंस में क्या होगा कि जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी।
तो इंटरफेरेंस को अगर हम बिल्कुल बेसिक वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो ये बोल सकते हैं कि इंटरफेरेंस इज सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मतलब ये हुआ कि रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग टू आई नॉट यूनिफॉर्मली इन होल स्पेस, कहीं कहीं पे 4 I0 इंटेंसिटी हो रही है और कहीं कहीं पे 0 इंटेंसिटी मिल रही है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है ही इसी बात पे बेस्ड कि कहाँ मैक्सिमा है, कहाँ मिनिमा है, कहाँ ब्राइट फ्रिंज, कहाँ डार्क फ्रिंज एटसेट्रा, ठीक है। और सबसे पहले इसमें लिखते हैं कि अगर मान लो दो लाइट वेव्स हम लोग ले रहे हैं, Y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी और Y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ध्यान से देखो, मैंने दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम लिया है, एम्पलीट्यूड अलग अलग लिया है और डायरेक्शन सेम लिया हुआ है। तो बता सकते हो कि इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इनको तो ऐड किया हुआ है ना पहले। ऐसे बोल सकते हैं कि ये मिलेगा ए रिजल्टेंट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जिसमें ए रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? ए रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस 2A1A2 कॉस फाइव। याद है नहीं याद है? यस सर। इंटेंसिटी में लिखे हैं तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा I1। एक्चुअली इंटेंसिटी का ही फॉर्मूला यूज होगा, एम्पलीट्यूड का तो यूज भी नहीं होगा। तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन मालूम है, इंटेंसिटी इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। तो अगर इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। बोलिए, अगर मान लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग बोलते हैं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो बताओगे कि मैक्सिमम के लिए कॉस फाई कितना होगा? मैक्सिमम के लिए कॉस फाई +1 होना चाहिए, यानी फाई की वैल्यू 2n पाई होनी चाहिए। तो ये भी आपको याद रखना है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल के आएगी √I1 + √I2 होल स्क्वायर। ये सब फॉर्मूले पहले देख चुके होगे कहीं ना कहीं, किसी में डाउट आए तो बताना, नहीं तो नोट करते जाओ। सेकेंड पॉइंट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बोलेंगे? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बोलेंगे? जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होगी, दैट इज कॉस फाई का वैल्यू -1 होना चाहिए। तो यहाँ से फाई का वैल्यू 2n + 1 टाइम्स पाई होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, क्यों भाई? मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी? मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू होगी √I1 - √I2 होल स्क्वायर, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। पाथ का मतलब क्या होता है? तो ऐसे देखो कि अगर एक सोर्स S1 है और एक सोर्स S2 है, ठीक है। तो सपोज करो S1 से एक लाइट वेव निकली, P पॉइंट पे पहुंची, और S2 से एक लाइट वेव निकली, वो भी P पॉइंट पे पहुंची। तो S1 से अगर उसने डिस्टेंस X1 कवर किया है और X2 से उसने डिस्टेंस X2 कवर किया है, S2 से जो ट्रैवल हुआ है वो X2 है, S1 से जो ट्रैवल हुआ है वो X1 है। तो पाथ डिफरेंस का मतलब होता है कि जो उसने पाथ कवर किए हैं उनका डिफरेंस, यानी X2 - X1। और पाथ डिफरेंस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं फेज डिफरेंस में। ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने वेव्स वाले चैप्टर में देखा था, 2π/λ×Δx, याद है? बताओ, यस सर। ये वाला, इसको हम लोग के बोलते थे ना। के का मतलब क्या होता था? के का क्या नाम था?
सर वेव कांस्टेंट है। एंगुलर वेव नंबर के को बोलते थे एंगुलर वेव नंबर। तो पाथ डिफरेंस को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे फेज डिफरेंस में। और ये भी याद रखो जैसे फाई की वैल्यू 2n π है, तो डेल्टा एक्स अगर लिखोगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी n λ। ये भी याद ही रखो, मतलब फेज डिफरेंस 2π का मल्टीपल हो या पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसी तरह यहाँ पे डेल्टा एक्स निकालोगे तो ये λ/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। देखो जो जो बातें ध्यान रखने वाली है मैंने ऑलरेडी बॉक्स में बंद कर दी है, उनको जरा ध्यान से देख लो। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट तो। नो सर। अच्छा ये जो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला है इसको हम और भी एक दो फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं कि मान लो दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी अगर सेम है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आएगा 4i0 cos² Δ φ/2। ये कैसे आया, क्लियर है या करके दिखाना पड़ेगा? यस सर। क्लियर है ना? इसके बाद एक पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट। अब देखो इस चैप्टर में होगा क्या, फर्स्ट मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब चलेगा कि कौन से नंबर का मिनिमा है, कौन से नंबर का मैक्सिमा है। तो ये जो मिनिमा और मैक्सिमा के नंबर दिए गए हैं ना, तुम ऐसे समझो सबसे पहले कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है मैक्सिमम इंटेंसिटी। बट ये बताओ क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी एक ही पॉइंट्स पे होगी कि मल्टीपल पॉइंट्स पे होगी? क्या लगता है देख के? मल्टीपल वन मल्टीपल पॉइंट्स पे होगी। तो क्या है ना कि उन मल्टीपल पॉइंट्स को नाम भी अलग अलग दे दिया गया है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इस तरह से। तो वो नाम हमारे लिए फिर से मैं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाम भी जरा नोट कर लो क्योंकि वो नाम थ्रू आउट द चैप्टर चेंज नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो देखो ध्यान से जो नाम आएंगे इसके, ये रहे नाम इनके, ध्यान से एक एक करके पढ़ते जाओ। देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझ लो। डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर 0 है मतलब पाथ डिफरेंस अगर 0 है तो डेल्टा फाई भी 0 आएगा। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है? इसी तरह डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा है तो फर्स्ट मैक्सिमा, 2λ है तो सेकंड मैक्सिमा, फिर नाम आगे उसी तरह से बढ़ते जाएंगे। डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/2 है तो कहलाएगा फर्स्ट मिनिमा, और 3λ/2, 5λ/2, तो इस तरह से मिनिमा के नाम पढ़ते जाएंगे। तो ये नाम एक बार जरूर ध्यान से रख सोच लो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दिए। और ऊपर यस सर। देखो यहां तक, और एक पॉइंट और है इंटरफेरेंस से रिलेटेड, और उसमें हम लोग लिखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स इज दैट टू वेव्स मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेस। कोहरेंट सोर्सेस किनको बोलते हैं, तो आगे ब्रैकेट लिख देना, सोर्सेस विथ
कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस, सोर्सेज विथ कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस. देखो है था क्या ना, हाइगेंस ने जो अपनी वेव थ्योरी दी, हाइगेंस ने ये बोला कि लाइट के अंदर वेव कैरेक्टर है, और उसने अपना हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है, वेव फ्रंट के बारे में, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें उसने अपनी थ्योरी से प्रूफ कर दी. लेकिन फिर भी जो है, जब उसने वो थ्योरी दी थी तो किसी ने भी उसकी थ्योरी पे कोई विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था. दूसरा, हाइगेंस के पहले न्यूटन ने ऑलरेडी पार्टिकल थ्योरी दे रखी थी. तो अब न्यूटन ने पार्टिकल थ्योरी दे रखी थी, न्यूटन मतलब समझ लो राजा था फिजिक्स का, वो जो बोल दे वही सही है. तो लोगों ने बोला कि हाइगेंस ने जो भी बातें बोली हुई हैं सब बेकार हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं है, पूरी की पूरी हाइगेंस थ्योरी कूड़े के ढेर में पड़ी ही रही, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था कि लाइट के अंदर वेव कैरेक्टर है. ऐसे सपोज करो कि उसके लगभग लगभग 100 साल के बाद, मतलब हाइगेंस तो चले गए होंगे, उसके 100 ईयर्स के बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जो एक्सपेरिमेंट था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. उस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ किया कि लाइट के अंदर इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी लाइट के अंदर वेव कैरेक्टर है. और फिर उसकी वापस से थ्योरी निकाली गई कि हाइगेंस ने क्या क्या बातें कही हुई हैं, जरा देखते हैं उनको, एनालाइज करते हैं. तो उन सारी बातों से वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी एक्सप्लेन हुआ, और फिर लोगों ने बोला कि नहीं, हाँ, लाइट के अंदर वेव कैरेक्टर है, और हाइगेंस जो है जो बोल के गए हैं वो एकदम सही सही बोल के गए हैं. तो उनको फिर आफ्टर डेथ रिकॉग्निशन मिला, जो भी मिला, ठीक है ना. तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो लाइट का वेव कैरेक्टर है वो नॉर्मल कंडीशंस में हमें दिख ही नहीं रहा था. मतलब नॉर्मली क्या हो रहा था, नॉर्मली अगर लाइट का एक बल्ब ऑन है तो इंटेंसिटी आई नॉट है, दो बल्ब ऑन हो जाएंगे तो इंटेंसिटी 2I0 हो जाएगा. ऐसा तो नहीं होगा ना कि कहीं 4I0 है कहीं 0 है. क्यों? क्योंकि लाइट के इंटरफेरेंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वो थी कोहरेंट सोर्सेस की. मतलब लाइट दो अलग अलग सोर्सेस से नहीं आनी चाहिए. अगर लाइट दो अलग अलग सोर्सेस से आ रही है तो उनके बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग सोर्सेस कभी भी कोहरेंट नहीं बनेंगे. साउंड के अंदर कोहरेंट सोर्सेस, दो अलग अलग सोर्सेस कोहरेंट हो सकते हैं, क्योंकि साउंड का जनरेशन एक अलग फिनोमेना है, मैकेनिकल वेव है. लेकिन लाइट का जो एमिशन है वो एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से जुड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दो अलग अलग एटम पे सेम टाइम पे हो ऐसा नहीं बोल सकते हैं. तो ये बोला गया कि लाइट के अंदर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी कोहरेंट नहीं होंगे. तो यंग ने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो यंग ने क्या किया, एक सिंगल सोर्स को उसने मल्टीपल सोर्सेज में स्प्लिट किया. मतलब कि प्राइमरी सोर्स सेम था, सेकेंडरी सोर्सेज जो दो बनाए S1 S2 उसमें वो दोनों आपस में कोहरेंट थे. क्यों? क्योंकि उनका जो प्राइमरी था वो सेम था. तो इसी कंडीशन पे इंटरफेरेंस हमको दिखाई देगा, अदरवाइज दो अलग अलग हमने लाइट बल्ब ले लिए तो कभी भी हमें इंटरफेरेंस लाइट वेव्स का नहीं नजर आएगा. और इसीलिए इतना टाइम लग गया ये प्रूफ करने में कि लाइट के अंदर वेव कैरेक्टर है, ठीक है ना. तो ये कोहरेंट सोर्सेज वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहेगी. बोलिए, क्लियर है क्या मतलब हुआ कोहरेंट का? कोहरेंट का मतलब फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होता, बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी सेम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी तो फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट होगा. यस सर, ठीक है ना. बट जो पॉपुलर है बोलचाल की लैंग्वेज में जो पॉपुलर है वो ये है कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस. मतलब वही है, फ्रीक्वेंसी अगर अलग अलग होगी तो कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस होगा ही नहीं. फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट तभी बनेगा जब फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए. तो बात तो एक ही है लेकिन बोलते इस तरह से ज्यादा है कि कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस है, ठीक है ना. यस सर, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर अपने एक्सपेरिमेंट में, मेन आते हैं. नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. कोई बताएगा स्लिट का क्या मतलब है? स्लिट स्लिट और होल एक ही बात हुई या अलग अलग, बताइए. गोल होता है. हाँ, होल जो है वो एक तरह से सर्कुलर होगा, और स्लिट स्लिट जो है वो रेक्टेंगुलर होगा, या ऐसे और प्रिसाइसली बोलें तो ऐसे बोलना चाहिए जो होल है वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है. Yes, sir. और जो स्लिट है वो लाइन सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है ना. तो अब ये कि हम लोग थ्री डायमेंशनल फिगर तो नहीं बना रहे हैं, हम लोग तो 2D में काम चला रहे हैं, तो स्लिट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं. देखो ध्यान से, ठीक है ना.
ये हो गया, तो एक स्लिट हो गई S1, एक स्लिट हो गई S2। ध्यान रखना S1 S2 का जो प्राइमरी सोर्स है वो सेम है, मतलब एक्चुअल सोर्स तो ये है, तो ये प्राइमरी सोर्स है, और उस प्राइमरी सोर्स के आगे हम लोगों ने क्या किया है, एक ओपेक स्क्रीन लगाई हुई है, और उस स्क्रीन के ऊपर हमने दो स्लिट्स बना दिए हैं। तो क्या होगा कि यहां से जो लाइट एमिट होगी, एक्चुअली क्या हो रहा होगा, यहां से वेवफ्रंट्स एमिट हो रहे होंगे, समझना ध्यान से, और वो वेवफ्रंट यहां पहुंचने के बाद इधर भी एमिट हो रहे होंगे और इधर भी एमिट हो रहे होंगे। तो क्या हुआ कि ये दोनों क्या बन गए, ये दोनों सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट, और अब ये दोनों कोहरेंट हो जाएंगे क्योंकि इनका प्राइमरी सेम है, अदरवाइज ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। और इंटरफेरेंस हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, सामने एक स्क्रीन ले लेते हैं, ठीक है। सामने जो स्क्रीन ले रहे हैं, सपोज एट ए डिस्टेंस डी, और इन दोनों स्लिट्स के बीच में जो गैप है ये है सपोज स्मॉल डी, और लाइट जो है वो S1 से और S2 से P पॉइंट पे पहुंच रही है, ध्यान से देखो, ठीक है। और हम स्टडी यही करना चाह रहे हैं कि P पॉइंट पे जो लाइट पहुंच रही है उसके बीच में पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस से निकालेंगे फेज डिफरेंस क्या है, और फेज डिफरेंस से निकालेंगे कि इंटेंसिटी वहां पे क्या आएगी, और स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट्स पे जब हम इंटेंसिटी स्टडी करेंगे तो यही बेसिकली यही स्टडी करनी है हमको इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले डायग्राम क्लियर है। अब इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो कैपिटल डी है वो स्मॉल डी से बहुत बड़ा है, बल्कि तुम ऐसे मान के चलो कि जो कैपिटल डी है वो मीटर में होगा और जो स्मॉल डी है वो मिलीमीटर में होगा, मतलब जो मैंने डायग्राम बनाया है वो हमारे अप्रोक्सीमेशन से कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। स्मॉल डी होना चाहिए मिलीमीटर में और कैपिटल डी होना चाहिए मीटर में, तो जरा मिलीमीटर और मीटर को विजुलाइज करते हुए सोचो कि डायग्राम कैसा दिख रहा होगा, बताओ। तो भाई क्या ऐसे बोल सकते हैं कि S1 से जाने वाली रे, ठीक है, और S2 से जाने वाली रे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैरेलल होगी, और ये दोनों रेज कहां जा रही हैं, पॉइंट पी की तरफ, ठीक है, और सपोज ये इनका सेंटर वाली लाइन हो गई, सेंट्रल लाइन। देखो क्या ये तीनों लाइन पैरेलल होंगी अगर हम ये वाली कंडीशन लगा दें तो, तो अब अगर हमें पाथ डिफरेंस चाहिए तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, देखो ध्यान से, और ये बोलते हैं कि ये साइड और ये साइड तो इक्वल होगी, तो जो भी पाथ डिफरेंस है वो ये वाला है, यानी जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स को लिखेंगे एस टू पी माइनस एस वन पी, और इस डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है, अब क्योंकि ये डी है, देखते जाओ कंस्ट्रक्शन, ये डी है, ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ध्यान से चेक करो, तो ये डिस्टेंस आएगी डी साइन थीटा। यहां तक बताओ पहले तो, क्लियर है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन थीटा, जहां थीटा कौन सा एंगल है ये देखो, बोलिए यहां तक। अब हम इसमें एक बात और बोलें कि अगर मान लो थीटा स्मॉल है, ठीक है, तो थीटा अगर स्मॉल होगा तो क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा के इक्वल होगा, और बताओ कि इस ट्रायंगल में टेन थीटा कितना आएगा, बताइए इस ट्रायंगल से टेन थीटा, इस ट्रायंगल से टेन थीटा कितना आएगा, y अपॉन d के इक्वल, तो यहां से डेल्टा x की वैल्यू निकल के आएगी, डेल्टा x की बेसिक वैल्यू थी d sin थीटा, लेकिन इस कंडीशन में ये वाई डी अपॉन डी हो जाएगी इक्वेशन टू, ठीक है। अब आगे का काम समझ लो कॉमन है, आगे क्या करना है वो चीजें बिल्कुल कॉमन रहेंगी, यहां तक केवल थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहां तक कोई पॉइंट ना समझ में आया तो बताइए, ठीक है।
हम लोग आगे बोलेंगे कि जैसे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल्टा एक्स एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, तो इसको वाई डी अपॉन डी के इक्वल अगर करेंगे तो y की वैल्यू आएगी n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, देखो, और इसको हम लोग बोल देते हैं ब्राइट फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव यानी मैक्सिमा और मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज, तो उसको बी एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारी की सारी हो गई पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। लिखें अगर वैल्यू तो बनेगा जीरो प्लस माइनस लैम्डा डी बाई डी प्लस माइनस टू लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन, ठीक है। देखो नोट कर लिया यहाँ तक, तो आगे बढ़े। अब जैसे कंस्ट्रक्टिव के लिए किया है वैसे ही डिस्ट्रक्टिव के लिए करो, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, तो इसके लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू है 2n प्लस 1 टाइम्स लैम्डा बाई 2, इट इज इक्वल टू वाई डी बाई डी, फिर से तो y की वैल्यू निकल के आएगी 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d, तो इसको हम लोग बोलते हैं डार्क फ्रिंज, df से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमम इंटेंसिटी, डार्क फ्रिंज मिनिमम इंटेंसिटी। तो ये सारी जो पोजिशंस आएंगी दे आर पोजिशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस, वैल्यूज लिखें अगर तो ये बनेगा प्लस माइनस लैम्डा डी अपॉन टू डी कॉमा प्लस माइनस डी लैम्डा डी अपॉन टू डी कॉमा प्लस माइनस फाइव लैम्डा डी अपॉन टू डी एंड सो ऑन। देखो बोलिए और एक्चुअली स्क्रीन के ऊपर हमको क्या नजर आ रहा होगा, तो उसका भी मेरे पास एक डायग्राम है, स्क्रीन के ऊपर हमको कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा, मतलब अगर हम ये एक्सपेरिमेंट ग्रीन लाइट से परफॉर्म करें तो हमको स्क्रीन के ऊपर ब्राइट डार्क इस तरह से ये पैटर्न नजर आएंगे। देखो और बड़ा कर दें फिगर, देखो ध्यान से, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे ये सर्कल में दिखाया भी गया है कि जैसे यहाँ पे जो ये पॉइंट है तो ये इस तरह का बन रहा है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इस तरह का बन रहा है। देखो कंस्ट्रक्टिव कब होगा, जब दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली सुपर इम्पोज करेंगी सेम फेज में, और डिस्ट्रक्टिव कहां होगा, जहां एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दिख रहा है, तो डिस्ट्रक्टिव में वहां डार्क बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव वहां ब्राइट बन रहा है, तो ब्राइट डार्क इस तरह से पूरे स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। बोलिए थोड़ा बहुत क्लियर हुआ क्या हो रहा है, क्योंकि अगेन इस चैप्टर में भी कुछ दिखाई तो देगा नहीं, बस ऐसे ही फील कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट हो सकता है आगे बीटेक वीटेक में जाओगे तब वहां पे होगा, क्योंकि स्कूल में तो ये एक्सपेरिमेंट भी नहीं होता है मुझे लगता है। ठीक है बोलिए, अब हमें थोड़ा सा स्टडी ये करना है, ये जो इंटेंसिटी है भाई, देखो हम लोगों ने निकाला कि कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे ब्राइट फ्रिंज है, कुछ पॉइंट्स हैं जहां डार्क फ्रिंज है, लेकिन इनके अलावा भी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो रह गए, जो भी डिस्कशन में आए ही नहीं है, वहां पे कौन सा फ्रिंज है,
तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, वहां पे ना तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और ना ही डिस्ट्रक्टिव है. कंस्ट्रक्टिव का मतलब है मैक्सिमा, डिस्ट्रक्टिव का मतलब है मिनिमा. तो वहां पे जो इंटरफेरेंस है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कोई इंटरफेरेंस है, जिसको हम जनरल वैल्यू बोल सकते हैं. तो वहां पे इंटेंसिटी की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी के बीच में है कोई भी वैल्यू, ठीक है ना. तो हमें ये स्टडी करना है कि जो इंटेंसिटी का कर्व आ रहा है अलग अलग पॉइंट्स पे क्या इंटेंसिटी है, ठीक है. तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा यही पड़ेगा, इंटेंसिटी वेरिएशन ऑन स्क्रीन, इंटेंसिटी वेरिएशन ऑन स्क्रीन. अब ऐसे बताओ, एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट, तो जनरल पॉइंट पे पाथ डिफरेंस की वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी वाई डी बाई डी आई थी, बताओ. तो यहां से अगर हम लोग फेज डिफरेंस निकालें तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, बताइए. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइ बाई 2. तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा, I रिजल्टेंट इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर, क्या आएगा अंदर, ये हो जाएगा पाई वाई डी अपॉन लैम्डा डी. तो ध्यान से देखो, क्या ये कॉस स्क्वायर का फंक्शन आ रहा है. तो भाई जो इंटेंसिटी है अगर वाई के हिसाब से प्लॉट करें तो ये कॉस स्क्वायर का फंक्शन आ रहा है निकल के. तो वही स्क्रीन के पास मैंने बना भी रखा था, कॉस स्क्वायर का फंक्शन. बोलिए. देखो तो ये ग्राफ है इसमें, ठीक है, और नोट कर लो ग्राफ, तो हमें ध्यान रखना ही है. ये है इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स. ये देखो ग्राफ, इंटेंसिटी का जो ग्राफ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 4I0 है. तो अब ये तुम देखो कि मैक्सिमम वैल्यू जो 4I0 है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे नहीं है, वो मल्टीपल पॉइंट्स पे आ रही है ना. तो वो जहां जहां पे आ रही है वहां वहां ब्राइट फ्रिंज बन रहा है. इसी तरह से इंटेंसिटी जहां जीरो आ रही है, देखो ये पॉइंट है जहां इंटेंसिटी जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये सारे के सारे डार्क फ्रिंज है. हर दो डार्क फ्रिंज के बीच में एक पॉइंट आ रहा है जो ब्राइट है. ब्राइट पे 4I0 इंटेंसिटी है, डार्क पे जीरो इंटेंसिटी है. बट इनके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं बीच में जहां पे इंटेंसिटी कुछ और है या नहीं है, बताओ. तो अगर हमें उन पॉइंट्स के बारे में पता करना है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है. देखो बताओ, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, करो अपने आप क्लियर हो जाएगा. फाइंड पोजीशंस ऑन स्क्रीन वेयर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज ए पार्ट में I0, बी पार्ट में 2I0 और C पार्ट में 3I0 है. देखो निकालो इसको. निकाला किसी ने?
देखो ध्यान से, सबसे पहले तुम्हें इंटेंसिटी से निकालना है तुम्हें फाई की वैल्यू, डेल्टा फाई। डेल्टा फाई से तुम्हें मिलेगा डेल्टा एक्स, और फिर डेल्टा एक्स को लिखेंगे वाई डी बाई डी, उससे मिलेगा तुम्हें वाई की वैल्यू। तीन स्टेप का काम है ये, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। इन तीनों में कोई डाउट है बताओ? मैथ्स है सीधा सीधा, देख लो जो कैलकुलेशन करे हैं और जो मैंने करे हैं, कुछ डाउट है तो बताओ। रिपीटिंग वैल्यूज हैं तो चाहे तुम ट्रिग्नोमेट्री की तरह चलो, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया से आती है, या फिर जैसे मैंने बताया वैसे चलो। रिपीटिंग वैल्यूज होंगी, लेकिन ध्यान रखना कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं है जहां पे इंटेंसिटी आई नॉट हो। ऊपर वाला ग्राफ तुम देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि ऊपर वाले ग्राफ में हमने आई नॉट ही लिखा है, ये तो आई नॉट एक सिंगल पॉइंट पे नहीं है, ये जो डॉटेड लाइन खींची हुई है, आई नॉट इंटेंसिटी कई सारे पॉइंट्स पे है कि नहीं है, बोलिए। ए पार्ट क्लियर है या कोई डाउट है बोलिए। ठीक है, तो अभी इसमें क्वेश्चंस चलो और करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आप इससे इसमें एक काम जरूर कर लेना, चाहे एचसीवी से या एनसीईआरटी, एचसीवी से पढ़ लेना, एचसीवी से हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना बोलिए, और ईएमआई वाली आपको डीपीपी और एचसीवी कंप्लीट करनी है, ठीक है बोलिए। सर किससे पढ़ना है? एचसीवी से आप हाइगेंस प्रिंसिपल वाली हेडिंग एक बार रीड कर लेना बस, क्योंकि वही एक ऐसा पॉइंट है जो थोड़ा देर से दिमाग में घुसता है, तो उसके लिए तुम्हें वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा एक बार फिर से। बातें वही सारी हैं जो मैंने बताई हैं, बट फिर पढ़ोगे एक बार तो ठीक रहेगा, ठीक है।